सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज जो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में चल रही हलचलों के बीच हरीश रावत के इस मुलाकात को, इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के दोनों पक्षों के नेताओं से मुलाकात करने के बाद हरीश रावत अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। बता दें कि मंगलवार को उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी। पंजाब कांग्रेस भवन में हुई मुलाकात के दौरान विधायक प्रगट सिंह और कुलजीत सिंह नागरा भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत महत्वपूर्ण दौरा इस वक्त हरीश रावत का, कल नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात और आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे हरीश रावत, कैसे देखा जा रहा है इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में कहने कहीं खींचतान सामने आ रही थी उसको लेकर हरीश रावत जो है कल शाम को चंडीगढ़ पहुंचे थे और कल शाम चंडीगढ़ के पंजाब भवन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर जारी था उन्होंने साफ कहा था, अपने नेताओं को समझाया था, कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के नेताओं को, कि मीडिया में बयानबाजी करने की जगह जो है अपनी बात जो है उनके पास रखें या हाईकमान के पास रखें या जो कमेटी है उसके पास जो है अपनी बात रखें मीडिया में बात करने की जगह। और कल जो है उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जो है बंद कमरा बैठक जो है चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में की थी, उनके साथ प्रगट सिंह और जो कार्यकारी अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के वो भी मौजूद थे। आज जो है उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो है उनके आवास पर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद शाम को जो है वापस रवाना होंगे और कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस और जो पार्टी है पार्टी संगठन और सरकार में समन्वय किस तरह से बनाना है इसको लेकर उनकी कोशिशें जारी है, जिसको लेकर लगातार वो बातचीत जो है नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ करते हैं। जी दीपक, कल हुई जो मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थी, क्या उसके बाद किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है या पंजाब कांग्रेस में किसी तरीके की कोई हलचल देखने को मिली और क्या इस बात की आशा और उम्मीद जताई जाए कि बहुत जल्द इस विवाद का पटाक्षेप होगा? जी बिल्कुल, अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले लंबे समय से हाईकमान की ओर से कोशिश की जा रही है खींचतान जो चल रही है आपस में उसको जो है खत्म किया जाए, तमाम कोशिशें की गई, तमाम नेताओं को दिल्ली भी बुलाया गया, चंडीगढ़ कई दौरे कर चुके हैं हरीश रावत और कल से फिर से हरीश रावत चंडीगढ़ दौरे पर है और कल जो है नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी और उन्होंने नेताओं को यही समझाया कि जो बात करनी है मीडिया में बयानबाजी ना करें एक दूसरे के खिलाफ, जबकि जो बात रखनी है पार्टी हाईकमान के आगे रखें, जो कमेटी बनी हुई है 3 सदस्यीय उनके आगे अपनी बात रखें। और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज मुलाकात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो वायदों को लेकर बात जो है पंजाब कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं उसको लेकर बात जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह से की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज मिलेंगे हरीश रावत, कल नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई और कोशिश लगातार की जा रही है कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी अंतर कलह चल रही है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए।